सचिन को किसने पहली बार कहा था गॉड ऑफ क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर रहे मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था, मैंने भगवान को देखा है, वह टेस्ट मैचों में भारत के लिए चार नंबर पर बैटिंग करने आता है। हेडन की ये बात बताती है कि केवल भारतीय फैंस नहीं बल्कि क्रिकेट की पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर को कैसे देखती है। और फिर हेडन ही क्यों, खोजने लगेंगे तो न जाने कई ऐसे नामी ग्रामी दिग्गजों का नाम सामने आ जाएगा जिन्होंने सचिन को लेकर एक से बढ़कर एक बातें कही है। इसकी सटीक जानकारी तो कहीं नहीं मिलती कि आखिर किसने पहली बार सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा था, लेकिन कुछ एक उदाहरण मिलते हैं जहां से सचिन को क्रिकेट के भगवान की संज्ञा दी जाने लगी थी। इसकी शुरुआत 1990 के उस दौर से होती है जब सचिन अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। क्रिकेट तब भारत में धर्म का रूप लेने लगा था और फैंस सचिन को भगवान का दर्जा देने लगे थे। कई मैचों में तो फैंस वैसे पोस्टर के साथ पहुंचे जिसमें लिखा था, क्रिकेट अगर भारत में धर्म है तो सचिन हमारे भगवान। फिर ये बात टीवी और अखबारों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंची। इसी बीच साल 2010 में जब सचिन वनडे में दोहरा शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने तो गॉड की जैसे उन पर मुहरी लग गई। डॉन ब्रैडमैन का सचिन को अपनी तरह का बल्लेबाज बताना, 100 शतकों का रिकॉर्ड और कभी विवादों में नहीं आना जैसे कई बातें रही जिसने सचिन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी मुश्किल है।